सो so, हमने परसेंटेज बतानी है कि कितने परसेंट स्टूडेंट्स के पास बाइसिकल नहीं है अब देखो टोटल किसी भी चीज का हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा 100 परसेंट के साथ सो so, यहां पर अगर हमने एक क्लास के टोटल स्टूडेंट्स की बात करनी है तो हम बोलेंगे कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स है हंड्रेड अगर हमने परसेंटेज की टर्म में बात करनी है ना तो क्लास के टोटल स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे कि हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं उसमें से सिक्सटी फाइव परसेंट स्टूडेंट्स के पास बाइसिकल है तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स के पास बाइसिकल नहीं है बहुत ही सिंपल है हंड्रेड परसेंट में से सिक्सटी फाइव परसेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी जितने स्टूडेंट्स के पास बाइसिकल नहीं है उनकी परसेंटेज ठीक है क्लियर सो वी विल राइट टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास Represents hundred per cent. Okay, students that have bicycle are sixty five per cent. So, therefore, students that do not have bicycle is equal to. हंड्रेड परसेंट माइनस सिक्सटी फाइव परसेंट सो इक्वल्स टू थर्टी फाइव परसेंट दिस इज दी आंसर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एक क्लास के टोटल स्टूडेंट्स हंड्रेड परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें से सिक्सटी फाइव परसेंट स्टूडेंट्स के पास बाइसिकल है तो हंड्रेड परसेंट माइनस सिक्सटी फाइव परसेंट इक्वल्स टू थर्टी फाइव परसेंट थर्टी फाइव परसेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास बाइसिकल नहीं है सेकेंड है वी हैव अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स ऑरेंजेस एंड मैंगोज इफ फिफ्टी परसेंट आर एप्पल्स थर्टी परसेंट आर ऑरेंजेस देन वट परसेंट आर मैंगोज सो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पार्ट वन में हमने सॉल्व किया है स्टूडेंट्स के लिए ओके सो यहाँ पर देखो तीनों टाइप के फ्रूट्स को मिला के टोटल को हमने लेना है हंड्रेड परसेंट सो टोटल को आप हमेशा ही हंड्रेड परसेंट कंसीडर करते हो ठीक है ये चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है ओके okay? सो so, टोटल तो हो गया 100% परसेंट उसमें से 50% परसेंट एप्पल्स हैं, 30% परसेंट ऑरेंजेस हैं, तो मैंगोज की परसेंटेज आप निकाल सकते हो 100% परसेंट माइनस फिफ्टी परसेंट एंड 30% परसेंट का सम ठीक है सो so, यहां पर हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द बास्केट इक्वल्स टू हंड्रेड परसेंट सो so, टोटल जितने फ्रूट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हंड्रेड परसेंट को सो so, यहां पर हमने लिख लिया हंड्रेड परसेंट नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल्स टू फिफ्टी परसेंट सो जितने टोटल फ्रूट्स हैं बास्केट में उसका फिफ्टी परसेंट है एप्पल्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल्स टू थर्टी परसेंट ठीक है ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है कि जितने टोटल फ्रूट्स हैं बास्केट में उसका थर्टी परसेंट है ऑरेंजेस सो देोर नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट माइनस एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की परसेंटेजेस को ऐड कर लो फिफ्टी परसेंट प्लस थर्टी परसेंट एंड इसको हंड्रेड परसेंट से कर दो सब्ट्रैक्ट सो हंड्रेड परसेंट माइनस 50 plus 30, 80 percent. So, सो 100 minus 80 percent, दिस इज 20 percent. So, सो 20 percent इज the आंसर एंड में आपने परसेंटेज का साइन जरूर लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में हमें परसेंटेज पूछी गई है ठीक है सो मैंगोज कितने परसेंट है 20 percent. So, सो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मैंगोज percentages की टर्म्स में निकाल रहे हैं क्योंकि सब कुछ हमें percentages में दिया हुआ है ठीक है किसी भी चीज की हमें काउंटिंग तो दी नहीं हुई किसी भी फ्रूट का एक्चुअल काउंट तो हमें दिया नहीं हुआ कि बास्केट में कितने टोटल फ्रूट्स हैं हंड्रेड हैं टू हंड्रेड है या थ्री हंड्रेड है पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो परसेंटेजेस की टर्म्स में ही दी है सो so, हमने भी अपनी जो कैलकुलेशन है वो परसेंटेजेस में ही की है सो so, बास्केट में जितने भी फ्रूट्स होंगे उसका फिफ्टी परसेंट है एप्पल्स थर्टी परसेंट है ऑरेंजेस एंड ट्वेंटी परसेंट है मैंगोज सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर इलेवन इन द कमिंग वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चन Thanks for watching, take care.